जल्दी जगना ना बहुत ही अच्छा होता है हमारे हेल्थ के लिए और हमारे माइंड के लिए भी, क्योंकि सुबह सुबह ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं ना हमारे नेचर में जो कि हम अगर लेट से जगते हैं तो उन सब चीज़ों को मिस कर देते हैं। तो जी हाँ गाइज, मैं यहाँ पे आ गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए और ये मेरा बहुत ही पुराना ब्लॉग है। यहाँ पे जो मैं रोड पे आपको दिखा रही हूँ जिधर बैठने वाला बनाया हुआ है, तो यहाँ पे मैं बस का वेट करती थी जब मैं यहाँ पे स्कूल में जॉब करती थी और ये मेरा पेड प्लेस हुआ करता था। तो जब आप उस रास्ते से गुजरते हैं ना जहाँ पे आप काफ़ी टाइम स्पेंड किए हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती है, तरोताज़ा हो जाती है जो आपकी पास्ट की चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मैं बैठती थी मतलब साढ़े छः बजे तक हमारी बस आ जाती थी और अभी मैं निकली थी 6 बजे घर से। सर्दियों का मौसम था उस टाइम पे और ये है यहाँ का बस स्टैंड जो कि काफ़ी पुराना है, जब मैं बहुत छोटी थी तब टाइम से इसको देख रही हूँ और ये ऐसे के ही ऐसे ही है। यहाँ पे हम लोग जब स्कूल जाते थे ना कभी कभी तो छिप के जाते थे बस से, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम तक हम लोग वेट करते थे। और ये एक गुमटी है यहाँ पे और इसे हम लोग तमसी का गेट कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग बस मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हाँ ऐसे घुमा, हाँ शंकर जी भी लगे पीछे से माइक लगे ले बोलो। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग आए हुए हैं बाहर घूमने के लिए और 6 o'clock हम लोग आते हैं और 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है तो उसे तय करते हैं। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे। हाँ बाबा ना चले के कब को भी शाम के चले गए ना लाने बनावे थे। ये रिजॉर्ट है, यहाँ पे रिजॉर्ट बना हुआ है, कभी हम आपको ये रिजॉर्ट भी दिखाएंगे। ये रिजॉर्ट है, इधर ये मेरे बाबा जी आके जा रहे हैं। तो आज दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ना देसी जिम दिखा रही हूँ, हमारे गांव का जिम। ये है हमारा जिम, बहुत ही अच्छा है ये। और पहले हम लोग बीच में लटकते थे, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये है हमारा देसी जिम, जैसे इसमें लटकना है। और अभी सूर्य भगवान निकले नहीं हैं, बस निकलने वाले हैं। बाबा जी हम लोग से बहुत आगे निकल गए। वॉक करके जब मैं घर पे आई ना तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो यहाँ पे बन रही थी रोटी और साथ में बन रहा था सब्जी। तो सब्जी और रोटी का मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप जल्दी जगते हैं ना तब भूख भी बहुत ही तेज वाली लगती है, वो भी जल्दी जल्दी सुबह। और यहाँ पे धूप आ गया था और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे, मेरा कुछ पोस्ट ऑफिस का काम रह गया था पेंडिंग, तो बस इसी के लिए हम लोग जा रहे थे। और सर्दियों में ये देखिए कितनी सुनहरी धूप निकली हुई है और आरू ऑटो में बहुत ही खुश थी, क्योंकि जब हम लोग बैंगलोर में रहते हैं ना तो इस टाइप से ऑटो में बैठने को नहीं मिलता है, मतलब वहाँ पे ऑटो में बस सीट पर ही आप बैठ सकते हो, सामने वाली सीट पर तो बिल्कुल भी बैठना अलाउ नहीं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का मेरा काम हो चुका था तो यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर। और ये है CBSE क्लासेस मिश्रा ज्ञानोदय आश्रम, ये मेरा पहले ट्यूशन हुआ करता था, मैं यहीं पे 9th-10th में यहीं पे कोचिंग करती थी। और अंशु पीछे ही रह गई थी, कुछ सामान गिर गया था तो हम लोग सब हमारा काम हो गया था। और ये है हमारे गाँव का मार्केट जहाँ पर हम लोग मार्केटिंग करते थे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ कपड़े वगैरह सिलने के लिए दिए थे तो वो सब लेने। ये सारा काम अपना कंप्लीट करने के बाद हम लोग घर वापसी के लिए जा रहे थे, तो वापस जाने के लिए भी ऑटो लेना था हम लोगों को। तो बस यहाँ पे सर्दियों का मौसम था तो तिलकुट वगैरह बहुत ज़्यादा मिल रहा था और बस हम लोग ऑटो में बैठ गए थे वापस जाने के लिए। मैं रास्ते में आप लोगों को दिखाऊँगी
कि मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं जॉब भी करती थी और फिर यहाँ पे मैं जिस स्कूल में पढ़ी थी वो दोनों सेम ही था। तो बस बहुत सारे फल फूल यहाँ पे बिक रहे थे। सर्दियों में तो अंगूर बहुत ही ज़्यादा मिलता है और आड़ू तो टोटली बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत खुश थी। और बस हम लोग यहाँ निकल रहे थे, ये यहाँ पे ताज सिंगार स्टोर है जहाँ पे हम लोग पहले आते थे कुछ चीज़ें लेने के लिए, जो भी हमारी कॉस्मेटिक चीज़ें होती थी। तो बहुत काफ़ी पुराना दुकान है और जो मार्केट है हम लोग का वो अम्बा में है। और यहीं पर मुझे क्या मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें होती है सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे एक रूल है ऑटो का कि जब तक ऑटो फुल ना हो जाए, मतलब आगे का सीट पीछे का सीट सारा फुल ना हो जाए तब तक ऑटो नहीं चलती है। तो बस वो वेट करते करते 15 मिनट हो गया था, तो सारे लोग बैठ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग घर जा रहे थे और बज गए थे 4:30 बज गए थे, वापस आते आते क्योंकि काफ़ी काम लोगों का कुछ काम होता है जो कि आप नहीं कर पाते। तो जब मैं यहाँ आती हूँ तो उसे फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरा यहीं का है, बेंगलोर का नहीं है। तो मुझे सारा के नंबर अपडेट वगैरह कराना था, आधार कार्ड ये सब पे। और ये देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, इधर से हम लोग ट्यूशन क्लासेस के लिए आते हैं। जैसे आपको दिखाया कि ये हमारा कोचिंग सेंटर था, तो यहाँ से इस रूट से हम लोग पैदल जाते थे बस पकड़ने के लिए या फिर ऑटो लेने के लिए। अगर कभी ऑटो नहीं मिला बस के पास तो बहुत ऑटो लेने के लिए जाते थे। कलर नहीं मिला, मामा को बोल देंगे लाने के लिए। मैया के पड़िया से बैठे गए, पकड़ ले मैया। और ये नदी है बकरी नदी, और सामने में जो बिल्डिंग दिख रही है वो हमारा कॉलेज हुआ करता था। और कुछ बच्चे हैं जो कि इन लोगों का शायद से ऑटो में फिक्स है, तो ये लोग बैठ कर। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जिस स्कूल में जॉब करते थे तो मैंने आरू को भी दिखाया कि मम्मा यहाँ पर पहले जॉब करते थे। तो ये आप ये वाला रास्ता जो देख रहे हैं ना, तो ये रास्ता में हम लोग का बहुत टाइम गुजरा है, पूरा बचपन ही गुजरा है। इधर ही हमारा स्कूल हुआ करता था जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। और आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ना, ये साइड का रास्ता, यहाँ पे मैं आरू को दिखा रही थी ये वाला रास्ता कि यहाँ पे मेरा स्कूल हुआ करता था बेटा, मैं पढ़ती थी। और फिर इसके सामने ही मेरा स्कूल था जिसमें मैं जॉब करती थी, तो एक साल वहाँ पे जॉब की थी। लेकिन काफ़ी टाइम हम लोगों का गुजरा था ज्ञानोदय स्कूल में जिसमें कि हम लोग पढ़ते थे, पूरा बचपन ही गुजरा था। तो गाइज ये वाला ब्लॉग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं मिलती हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग में, एक अच्छे से ब्लॉग में। तो चलिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक को ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं, बाय बाय।